अफगानिस्तान ने तो भाई साहब अखीर कर दी है साउथ अफ्रीका को, ओडीआई सीरीज हरा दी है यार। कोई सोच भी सकता है, मतलब कि हम देखते हैं जो भी अफगानिस्तान की टीम तो इंप्रूव कर रही है 2023 के वर्ल्ड कप से लेके अभी तक। इन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को पेला, इन्होंने जिसको कहते हैं इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को हराया, इसी के साथ साथ इस वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, और अब आप देख लें ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज हरा दी है। पहला मैच हराया, लोगों ने कहा ब्लफ लग गया, दूसरे मैच के अंदर फिर से हरा दिया, 300 प्लस स्कोर भी लगाया और साउथ अफ्रीका को उखाड़ के रख दिया। राशिद खान की शानदार बॉलिंग देखने को मिली, रहमानुल्लाह गुरबाज की शानदार हमें सेंचुरी देखने को मिली, उमर जई की शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिली। तो इससे साबित हुआ है कि अफगानिस्तान की जो टीम है ना, अब वो बहुत ज्यादा खतरनाक टीम बन चुकी हुई है। और मुझे बताऊं क्यों फीलिंग आती है, मुझे ऐसी फीलिंग आती है जो हम बातें करते थे, इंडिया को इंडिया में कौन हरा सकता है, इंडिया को इंडिया में अगर कोई टीम हरा सकते हैं तो अफगानिस्तान है, क्योंकि ये अफगानिस्तान की टीम बड़ी अच्छी होगी और पाकिस्तान तो इसके आसपास भी नहीं आ रहा। मुझे तो डर लग रहा है कि अगर जिसको कहते हैं ना आगे जाके वर्ल्ड कप में दोबारा इनसे सामना, बड़ी बुरी तरह से हारेंगे। ये टीम बड़ी अच्छी बन चुकी हुई है, इनके सारे के सारे बच्चे बच्चे थे आज से 3 साल पहले, अब वो प्रॉपर क्रिकेटर्स बन चुके हुए हैं। अगर आप देखिए इस टीम में यूनिटी भी बहुत है, एक एक टीम होके खेलने को पता है कि हमने दुनिया के अंदर अपना नाम बनाना है, वो दिन दूर नहीं है कि बहुत बड़ी टीम बन जाएगी। जिस तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, ये सेकंड डोमिनेंट साइड बन गई है एशिया की, और ये अब तो बाहर के मुल्कों की टीमों को हरा रहे हैं, घोड़ों को हरा रहे हैं। तो पाकिस्तान को सीखना चाहिए यही चीज। लास्ट टाइम मेरा आप लोगों से सवाल है, लास्ट टाइम पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज कब हराई थी, आपने मुझे इसका जवाब देना है कि लास्ट टाइम पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज कब हराई थी, इसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। और साउथ अफ्रीका ने प्रॉपर टीम आज खिलाई हुई थी, एनगीडी भी खेल रहा था, बर्गर भी खेल रहा था, बाबूमा भी था, टिजोर्जिन का जिससे कहते हैं ना पक्का ओपनर हो चुका हुआ, इसी था एडम मार्क्रम, डीजा हेंड्रिक्स, स्ट्रिशन स्ट्रब, सारे के सारे उनके अच्छे खासे खिलाड़ी खेल रहे थे, उसके बावजूद ये लोग मैच हार गए। इसी के साथ अगर बात करें तो जनाब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का आज तीसरे दिन का मैच है, पता नहीं मुझे गट फीलिंग कह रही कि ये तीसरे दिन के अंदर ही मैच खत्म हो जाएगा। बांग्लादेश ने इंडिया जिसको कहते हैं ना पहले सेशन के अंदर आउट हो जाएगा, बांग्लादेश अगले 2 सेशन के अंदर आउट हो जाएगा, ऐसा मेरा दिल कह रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जो टेस्ट मैच है ये थोड़ा और जिसको कहते हैं ना मजेदार हो, और मजा आए इसको देखने का और एनर्जेटिक हो। देखना यह किस मैच के अंदर क्या होगा। शुभमन गिल खेल रहे हैं, शुभमन गिल 50 करेंगे या 100 करेंगे आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है। और आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश का कौन सा बॉलर है जो आज फ्रेश होकर अच्छी बॉलिंग करके दिखा सकता है।